गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कोई भी एनिमल है तो वह अपनी फूड को यानी न्यूट्रिएंट्स को ले करके उसे यूज़फुल बनाने के लिए जितनी भी प्रोसेस होती हैं उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के कई स्टेप होते हैं। न्यूट्रिशन के कई स्टेप का मतलब हो गया जैसे कि न्यूट्रिशन में पहले होता है इंजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन हो गया, उसके बाद इजेशन। तो हम लोग बारी बारी से कोई एक दो प्रोसेस नहीं बल्कि 5 स्टेप से मिलकर के न्यूट्रिशन बना है। इंजेशन का मतलब होता है एनिमल अपने फूड को अपने बक्कल कैविटी तक या अपने बॉडी के अंदर लेता है तो उसे इंजेशन कहते हैं। फिर डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। तो डाइजेशन की प्रोसेस तो ये हमने आपको इसके पहले भी बताया हुआ था कि डाइजेशन जो होता है डाइजेशन के बारे में हमने आपको बताया कि हमारे बक्कल कैविटी माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जब हम अपने फूड में यानी बक्कल कैविटी में जब फूड को अपने बक्कल कैविटी में लेते हैं तो दांतों के मोलर और प्री मोलर की हेल्प से उसको कई टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और हमारे पास थ्री पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, कान के नीचे पैरोटिड, निचले जबड़ा, जॉ के पीछे सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, और जीभ के नीचे टंग के नीचे होती है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ये सब मिलकर के सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं। सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा में म्यूसिन होता है, हमने आपको बताया म्यूकस होता है और कुछ साल्ट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वाटर रहता है और लाइसोजाइम रहता है। लाइसोजाइम क्या है, एक एंजाइम है। लाइसोजाइम एंजाइम ये हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि टाइलिन एंजाइम होता है हमारे सलाइवा में, जो कि सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, वहाँ पर टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम करती है। इसके पहले तो ये सब हमने आपको बता दिया कि उसके बाद देखो जब फूड को दांतों से तोड़ा जाता है तो उसमें ये म्यूकस मिलता सलाइवा मिलता जाता है, म्यूसिन जो होता है, और ये सलाइवा ये फूड को एक बोलस बना देता है। और उसके बाद हम लोग इसको निगल लेते हैं। कहाँ पर, जब फूड को हम लोग बक्कल कैविटी में, जब फूड थोड़ा सा डाइजेशन जब हो जाता है, केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले होता है, यानी स्टार्च का डाइजेशन होता है। स्टार्च जो होती है वो टूट जाती है किसमें, माल्टोज में। ये सब हमारे आपको पहले इसके पहले वाले रिकॉर्डेड वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसे वीडियो देख लीजिए, उसके बाद का है ये पार्ट 2 है ये। उसके बाद ये होता है ओएसोफेगस। इसके आगे बक्कल कैविटी है, फायरिंग्स है, बक्कल कैविटी है, तो हमने आपको नहीं बनाया हुआ है। जब हम लोग क्या कहते हैं फूड को निगलते हैं तो सीधा कहाँ आता है, फूड रिजर्वर में आता है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर मसल्स का बना हुआ है, स्मूथ मसल्स का बना हुआ फूड रिजर्वर होता है, और यहाँ पर फूड आकर के इकट्ठा हो जाता है। और जब यहाँ पर फूड इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं जिसको कार्डियक स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं, ये इसको बंद कर देता है। और इसको इस वाले भाग को यहाँ पर पाइलोरिक स्पिंचर मसल्स होती हैं जो इसको बंद कर देता है। अब फूड कहाँ इकट्ठा हो गया, अब जो भी आप खाते पीते हो वो सब के सब इसी में इकट्ठा हो जाता है। फूड यहाँ इकट्ठा हो गया, और फूड जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पर इस जगह पर तकरीबन आप मान कर चलिए कि ये म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर होती है। म्यूकस एंड सब म्यूकस के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, 2 से 2.5 करोड़ तक ग्लैंड्स होती हैं जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये हमने आपको इसके पहले वाले में बताया था। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स इसके सिक्रीशन में SCL रहता है, पेप्सिन रहता है और रेनिन रहता है, और कुछ हल्का गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, और या एमाइलेज होता है।
लेकिन इनका डाइजेशन बहुत ही कम ही होता है, क्योंकि लाइपेज जो होता है ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है और एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, तो नहीं के बराबर होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ये म्यूकस में धंसी रहती हैं, इसके सब म्यूकसा म्यूकसा में धंसी रहती हैं और तीन से साढ़े तीन करोड़ तक होती है, फिर हाफ करोड़ होती है ये, और ये सब मिलकर के एससीएल का सिक्रेशन करती हैं। एससीएल का सबसे बड़ा फंक्शन काम क्या है कि ये पूरे फूड के मीडियम को एसिडिक बना देता है और जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया आए रहते हैं उनको मारने का काम करता है, फूड को स्पॉइल होने से बचाता है, सब स्टमक में हो रहा है। उसके बाद जो पेप्सिन होता है ये पहले प्रोएंजाइम के इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, तो इसको क्या करता है ये इसको तोड़ देता है, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रहता है तो उसको पेप्सिन में तोड़ देता है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव पेप्सिन बना देता है। और पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन होती है प्रोटीन को प्रोटीओजेस पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। ये भी हमने आपको इसके पहले वाले में बताया हुआ था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। उसके बाद देखो रेनिन आता है, रेनिन भी प्रोएंजाइम प्रोरेनिन के फॉर्म में रहता है और जिसको प्रोएंजाइम कहते हैं। फिर ये एससीएल के कॉन्टेक्ट में जब आता है तो वह एक्टिव रेनिन बन जाता है और ये जो दूध मिल्क की जो सॉल्युबल प्रोटीन होती है कैसीन, उसको कैल्शियम पैरा कैसिनेट में चेंज कर देता है ताकि मिल्क जो हो यहाँ पर इकट्ठा रह सके, कुछ देर तक रुक सके, उसके बाद पेप्सिन आकर के उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज और एमाइलेज तो नहीं के बराबर होता, कोई डाइजेशन हो नहीं होता। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जब स्टमक में फूड का डाइजेशन हो जाता है, तो स्टमक में जब फूड का डाइजेशन हो जाता है तो फूड जो होता है एकदम पेस्ट लाइक हो जाता है, जैसे लेई के जैसा हो जाता है, पेस्ट जैसे टूथपेस्ट होता है बिल्कुल उस फॉर्म में आ जाता है, तब उसको हम लोग कहते हैं काइम। ये एग्जाम में पूछा जाता है काइम क्या है, तो डाइजेशन कहाँ, स्टमक में डाइजेशन हो जाने के बाद फूड पेस्ट जैसा हो जाता है तब उसको काइम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन इन ड्यूडिनम, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ये ड्यूडिनम है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि ड्यूडिनम में कैसे नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। तो ये यहाँ से देखिए, यहाँ से पाइलोरिक पार्ट से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन निकलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे यू के शेप में होती है, इसको कहते हैं ड्यूडिनम। और ड्यूडिनम ये हो गया, और ये जो देख रहे हो आप ये लीवर है और ये क्या है, ये गैल ब्लैडर। लीवर क्या करता है, लीवर बाइल का सिक्रीशन करता है, बाइल बनाता है, और इसके लीवर के दो लोब्स होते हैं और ये बाइल बनाता है, और यहाँ पर दोनों लोब से एक हेपेटिक डक्ट आती है और बाद में दोनों डक्ट मिल करके और यहाँ पर बाइल इकट्ठा हो जाता है। बाइल जो होता है, बाइल येलो कलर का और ग्रीन कलर का होता है ये बाइल, और बाइल जो होता है लिक्विड आकर के यहीं पर इकट्ठा हो जाता है। बाइल में क्या रहता है, बाइल में कुछ साल्ट्स होते हैं और सबसे ज़्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट सबसे ज़्यादा होता है। इसी के लिए फूड का जो मीडियम होता है वह एसिडिक होता है। और यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर HCl निकलता है, तो फूड का मीडियम क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। आप लोग कभी अंदाज़ा लगाए हो, कभी जब हम ज़्यादा खा लेते हैं, जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं यानी पूरे स्टमक में जैसे फूड आता है तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, चर्निंग एक तरह का मूवमेंट होता है, तो HCl जब फूड में मिल जाता है तभी पेप्सिन जाकर के उसको डाइजेस्ट करता है। तो कभी कभी जैसे ज़्यादा आपने खाना खा लिया तो पूरे स्टमक में जब फूड चला आता है उसके बाद ठीक से डाइजेशन जब तक होगा नहीं, काइम नहीं बनेगा, फूड ड्यूडिनम में नहीं आएगा, फूड यहीं पर रुक जाता है। जैसे मान लीजिए आधे घंटे फूड को यहाँ रुकना है तो एक घंटे दो घंटे तक फूड यहीं पर पड़ा रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, HCl ज़्यादा इसका सिक्रीशन होता है, HCl ज़्यादा सिक्रीशन होने लग जाता है ताकि ये फूड स्पॉइल्ड ना हो, सड़े ना, तो हमारा pH जो होता है स्टमक का और ही कम हो जाता है। तो देखो खट्टी टकारें आती हैं तो एकदम मन कैसा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ एल्कलाइन सब्सटेंस लेते हैं, जैसे
आप नाम सुने होंगे कुछ दवाएं आती हैं जैसे कि डाइजीन आती है, जिलोसिल आती है। तो डाइजीन जिलोसिल में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ये एल्कली होते हैं। और आप जानते हो कि एल्कली और एसिड जब रिएक्शन करता है तो वह न्यूट्रलाइज हो जाता है, या कुछ नहीं तो हम लोग इनो भी लेते हैं। तो इसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो एंटासिड्स आते हैं बाजार में जो मिलती हैं, एंटासिड में क्या होता है, ये इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। ये सब क्या करते हैं, ये एसिड के साथ, ये एल्कली होते हैं, एसिड के साथ जाकर के रिएक्शन करके इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एंटासिड है यानी एल्कली होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। कुछ दवाएं आती है जैसे जिलोसिल हो गई, जिलोसिल हम लोग पीते हैं ना, जिलोसिल टैबलेट आती चबा करके उसको खा लिया जाता है जब एसिडिक ज़्यादा हो जाता है, जिलोसिल है, डाइजीन, ये सब दवाएं क्या होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही है, एंटासिड कहते हैं इनको। तो स्टमक में एसिड की जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उससे बचने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर काइम का जैसे ही पहली बैच कहाँ ड्यूडेनम में आती है, ड्यूडेनम एक स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, यू शेप में मुड़ी हुई एक स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा पार्ट होता है जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। तो ये ड्यूडेनम है। अब जब जैसे ही फूड ड्यूडेनम में आता है तो ड्यूडेनम की जो वाल होती है यहाँ पर, इसके वाल में कुछ इंडोक्राइन सेल्स होती हैं और उस इंडोक्राइन सेल से दो हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स का नाम है कॉलीसिस्टोक्राइनिन और सेक्रेटिन। दो हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, ये ड्यूडेनम की वाल में, जैसे ही फूड ड्यूडेनम की वाल में आता है, ड्यूडेनम की वाल से वाल के कांटेक्ट में आता है, तो इसके यहाँ से दो हार्मोन्स निकलते हैं, कॉलीसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन हार्मोन्स, दो हार्मोन्स निकलते हैं। ये सीधा ब्लड में जाते हैं और दोनों हार्मोन्स जा करके कहाँ जाते हैं, यहाँ से ब्लड से होते हुए गैल ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं। गैल ब्लैडर जो बाइल बनाता है वो गैल ब्लैडर में स्टोर रहता है। बाइल यहाँ से ऐसे बाइल आता है, फिर आकर के यहीं पर बाइल स्टोर हो जाता है और यहीं पर पड़ा रहता है बाइल। तो ये कॉलीसिस्टोकाइनिन सेक्रेटिन हार्मोन्स जा करके सबसे पहले क्या करते हैं, ये जा करके यहाँ पर जो गैल ब्लैडर होता है, गैल ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं कि फूड यहाँ पर आ चुका है। जैसे फूड यहाँ पर आता है तो ये दोनों हार्मोन जाकर इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बाइल भरा होता है, बाइल में क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, कुछ साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स रहते हैं, और इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया और बिलीरुबिन होता है, बिलीरुबिन ये सब हर येलो और ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये सब मिलकर के बाइल बना लेते हैं और दोनों हार्मोन जब जा करके इसको स्टिमुलेट करते हैं तभी इसको पता चलता है कि यहाँ पर फूड आ चुका है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ से क्या निकलता है, देखिए यहाँ से बाइल निकलता है और बाइल ऐसे जाता है। और ये जो आप ग्लैंड यहाँ देख रहे हो इसके पैंक्रियाज है, ये क्या है, ये पैंक्रियाज है और ये तो स्टमक हो गया, स्टमक के बारे में आप पढ़ ही चुके हो। तो यहाँ पर एक दो ग्लैंड्स होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एक बाइल हो गया और इसके बाद देखो यहाँ पर दो ग्लैंड्स होती हैं, ये होती है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज भी क्या करती है, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है। तो जैसे ही अब देखिए इसको पैंक्रियाज, यहाँ तो दोनों हार्मोन कॉलीसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन हार्मोन जा करके गैल ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं, तो यहाँ से बाइल चलता है और ये कॉमन बाइल डक्ट और ये पैंक्रियाज की जो डक्ट होती है ये आपस में मिल करके ड्यूडेनम में खुल जाती है। ये इसकी नली हो गई और ये देखिए ये डक्ट किसकी डक्ट है, ये डक्ट है पैंक्रियाज की, ये पैंक्रियाज और ये कॉमन बाइल डक्ट इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट से आकर के यहाँ दोनों मिल जाती हैं और फिर यहाँ पर स्टमक में दोनों साथ साथ अपना अपना सिक्रीशन को यहाँ पर
सिक्रेट करके छोड़ देती है। तो ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाटिक। उसके बाद देखो पैंक्रियाज को केवल कॉलीसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन्स होता है ये आकर के इसको स्टिमुलेट करता है। यहाँ तो दोनों हार्मोन्स जाते हैं, यहाँ पर एक हार्मोन जाता है कॉलीसिस्टोकाइनिन, ये पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। और यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस निकल करके कहाँ जाता है, पैंक्रियाटिक जूस निकल करके और सीधा सीधा यहाँ पर पहुँच जाता है कहाँ, ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में आप जिगजैग मूवमेंट होता है या प्रिस्टालसिस मूवमेंट होता है या तो चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं जिससे बाइल और पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पर आकर के मिल जाते हैं। हाँ, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो बाइल रहता है बाइल में क्या होता है और वह किस तरह से फंक्शन करता है। तो बाइल में क्या होता है, देखिए बाइल का फंक्शन क्या है, देखिए बाइल में पहला फंक्शन क्या होता है कि जब वह बाइल फूड के साथ में आकर के पूरे फूड के साथ यहाँ पर ड्यूडेनम में जब वह मिल जाता है बाइल, तो बाइल तो पहले क्या करता है कुछ फूड के मीडियम को एल्कलाइन बना देता है, एल्कलाइन मीडियम, क्योंकि जो एंजाइम्स पैंक्रियास के जो एंजाइम होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होते हैं वह एल्कलाइन मीडियम में फंक्शन करते हैं। और यहाँ पर फूड यहाँ एसिडिक मीडियम होता है तो फूड का पूरा मीडियम एसिडिक रहता है, उसको न्यूट्रलाइज भी करना रहता है। और जो पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन, एक तो ये ट्रिप्सिन हो गया, दूसरा हो गया एमाइलोप्सिन और स्टेप्सिन। ये तीन तरह के एंजाइम्स होते हैं मेन जो होता है, आप क्लास टेंथ के स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो तो आप इतने जान लो कि ट्रिप्सिन होता है, एमाइलोप्सिन होता है और स्टेप्सिन होते हैं। ये कहाँ रहते हैं, ये पैंक्रियास का सिक्रीशन है और पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन और स्टेप्सिन। तो हम बता रहे थे कि पैंक्रियास में पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है, एमाइलोप्सिन होता है और स्टेप्सिन होता है। ट्रिप्सिन क्या है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। एमाइलोप्सिन क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। स्टेप्सिन क्या है, ये फैट्स का, ये जो फैट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। तो यहाँ से जो बाइल आया, बाइल फंक्शन क्या है, बाइल के बाइल जो होता है वो फूड के मीडियम को क्या कर देता है, यहाँ पर जो फूड आता है एसिडिक मीडियम से वह एल्कलाइन मीडियम में चेंज कर देता है, क्योंकि ट्रिप्सिन जो होता है वह एल्कलाइन मीडियम में फंक्शन करता है तो फूड के मीडियम को एल्कलाइन बना देता है। दूसरी चीज ट्रिप्सिन को एक्टिव बनाता है। तीसरा चीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो होता फंक्शन है बाइल का सबसे बड़ा काम जो होता है वह होता है इमल्सिफिकेशन। तो अब इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए एक फैट्स है तो फैट्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, ऐसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ऐसे तोड़ देता है ऐसे, जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और इमल्सिफाइड फैट्स कहते हैं, इमल्सिफाइड फैट्स पर ये स्टेप्सिन जो होता है ये फैट को डाइजेस्ट करता है। तो इमल्सिफाइड जो फैट्स होती हैं तभी जाकर के ये स्टेप्सिन जो होता है फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पर हो गया एमल्सिफिकेशन हो गया तो एमल्सिफिकेशन का काम कौन करता है, बाइल करता है। तो आप ये जान लीजिए कि बाइल के फंक्शन क्या क्या होते हैं, पहला मीडियम को एल्कलाइन बनाना, दूसरा जो फैट्स होता है फैट्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है जिसको एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं, और चौथा ये इसका फंक्शन होता है कि ये जो कुछ भी हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं उसको ये किल कर देता है और फूड को स्पॉइल होने से बचाता है। तो ये डाइजेशन केवल यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ रहे हो उस समय, ये इस इतने भाग को जो आप यहाँ तक देख रहे हो इसी को कहते हैं ड्यूडेनम, और हम लोग डाइजेशन केवल ड्यूडेनम में पढ़ रहे हैं। अब पैंक्रियाटिक जूस जो होता है, पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन और स्टेप्सिन। अब इनका फंक्शन देखते हैं कि ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। तो ये तो रहा बाइल का, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि बाइल का क्या फंक्शन है, तो पहला फंक्शन बताओ कि फूड के मीडियम को एल्कलाइन बना देता है, दूसरा एमल्सिफिकेशन करता है, और एक बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस होता है बाइल में बिलिरुबिन।
बिलिरुबिन को ये बाहर निकालने का भी काम करता है, एक तरह से देखा जाए तो एक्सक्रीशन का काम करता है, क्योंकि अगर बिलिरुबिन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे बॉडी के आँखों के स्क्लेरोटिक नाखून के नीचे ये सब बिलिरुबिन जमा हो जाता है, इसे जॉन्डिस डिजीज कहते हैं। तो यहाँ बाइल में क्या रहता है, बिलिरुबिन रहता है। तो बिलिरुबिन एक तरह से ऐसे आता है और यहाँ से पैंक्रियाटिक और हेपेटिक और बाइल हेपेटिक और पैंक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ कहाँ चला आता है, बिलिरुबिन बाइल के साथ में यही ड्यूडेनम में आ जाता है, ड्यूडेनम के साथ फूड के साथ वो बाहर निकल जाता है, डाइजेस्टेड फूड के साथ वो बाहर निकल जाता है। तो लीवर का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है कि बिलिरुबिन को बाहर भी निकालना, और ये सब मिलकर के बाइल बनाते हैं। और बाइल जो होता है, बाइल का ये फंक्शन है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, सबसे बड़ा फंक्शन है, क्योंकि अगर फैट्स एमल्सिफाइड नहीं होगी, अगर वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में नहीं टूटेगी तो फैट का डाइजेशन नहीं हो सकता। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर गैलब्लैडर में कभी कभी स्टोन्स आ जाते हैं, ऐसे स्टोन्स आ जाते हैं, बहुत सारे स्टोन्स आ जाते हैं, बहुत पेन होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस पूरे गैलब्लैडर को काट करके बाहर निकाल देते हैं। तो जब काट करके बाहर निकाल देते हैं और इसको ब्लॉक कर देते हैं इस जगह पर, तो जब ये गैलब्लैडर बाहर निकल जाता है तो बाइल बनता तो है लेकिन स्टोर नहीं होता। बाइल क्या होता है, बाइल सीधा डायरेक्ट जो है ड्यूडेनम में आता रहता है। तो ऐसे लोगों में फैट्स का एमल्सिफिकेशन नहीं होता और वो फैट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाती है। अब आप यहाँ तक थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, तो आपको हम आगे बताते हैं। जब बाइल और पैंक्रियाटिक जूस अच्छी तरह से फूड में मिल जाते हैं यहाँ ड्यूडेनम वाले पार्ट्स में, तो वहाँ पर अब क्या करता है, यह पैंक्रियास जो होता है पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन, अब देखते हैं ट्रिप्सिन कैसे फंक्शन करता है। जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन देखो, सबसे पहले प्रोटीन तो यहीं पर डाइजेस्ट हो गई थी, प्रोटीन किस में टूट गई थी, प्रोटीओजेज पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, जो बड़ी चेन्स होती है पॉलीपेप्टाइड्स की बड़ी बड़ी जो चेन्स होती है पॉलीपेप्टाइड्स में तो तोड़ दिया, लेकिन पॉलीपेप्टाइड्स की जो लंबी चेन्स होती है उसको और छोटे स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स में तोड़ देता है। तो ट्रिप्सिन, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम है जो कि पैंक्रियास से निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस में होता है। ट्रिप्सिन क्या काम करता है, बड़े बड़े लंबे चेन जो पॉलीपेप्टाइड्स से जो बड़े चेन्स होते हैं उसको छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। क्योंकि स्टमक में क्या होता है, स्टमक प्रोटीन प्रोटीओजेस पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में टूटा था। अब ये पॉलीपेप्टाइड्स को और छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए एक लंबी चेन है ये, तो इसको पहले ऐसे ऐसे तोड़ा, तो अभी इसमें से एक एक ये चेन ये हो गई, तो इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तो इसको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता है। तो ये ट्रिप्सिन का फंक्शन हो गया। उसके बाद एमाइलोप्सिन के बारे में देखते हैं, एमाइलोप्सिन क्या है, एमाइलोप्सिन कैसे फंक्शन करता है, अब एमाइलोप्सिन के बारे में देख लेते हैं कि एमाइलोप्सिन क्या होता है। ये एक तरह से देखा जाए तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, या बिल्कुल जैसे हमारे टाइलिन जो फंक्शन करता है वही एमाइलोप्सिन करता है। ये कुछ देखो, बहुत कम बक्कल कैविटी में क्या होता है, बक्कल कैविटी में बहुत थोड़े से स्टार्च का डाइजेशन होता है, स्टार्च माल्टोज में टूट जाती है, लेकिन ज़्यादातर स्टार्च जो होती है वो एमाइलोप्सिन करता है उसको तोड़ने का काम। तो एमाइलोप्सिन का फंक्शन क्या है, एमाइलोप्सिन का फंक्शन होता है ये स्टार्च को किसमें तोड़ देता है, माल्टोज में। और स्टार्च किसमें टूट गई, माल्टोज में टूट गई, यही फंक्शन है एमाइलोप्सिन का। उसके बाद आता है स्टेप्सिन, स्टेप्सिन का क्या काम है, स्टेप्सिन जो होता है ये फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, लेकिन किस तरह के फैट्स को, एमल्सिफाइड जो फैट्स होती है उसी पर ये स्टेप्सिन क्या करेगा, एक्शन लेगा और एक्ट करेगा और उसी को फैटी एसिड और ग्लिसराल में तोड़ देता है। यानी ड्यूडेनम में आप देख लीजिए तो स्टेप्सिन जो होता है वो पूरे फैट्स को तोड़ देता है, पूरे फैट्स का डाइजेशन कर देता है, लेकिन फैट्स का डाइजेशन तभी होगा जब उसका एमल्सिफिकेशन होगा। एमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। अब आगे बात आती है स्टेप्सिन, तो एमल्सिफाइड फैट्स जो होती हैं, फैट्स को ये
सीधा जो होता है स्ट्रेप्सिन, स्ट्रेप्सिन क्या करता है सीधा इसको फैटी एसिड और ग्लिसराल में तोड़ देता है, ग्लिसराल में तोड़ देता है। तो तीनों का हो गया फंक्शन। ट्रिप्सिन क्या करता है जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड चैंस होती है उसको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चैंस में तोड़ देता है। एमाइलोप्सिन क्या है, एमाइलोप्सिन एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड एंजाइम है। ये क्या करता है एमाइलोप्सिन, एमाइलोप्सिन का फंक्शन क्या है, ये जो भी स्टार्च आती है फूड में स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। उसके बाद स्ट्रेप्सिन क्या करता है, स्ट्रेप्सिन एक फैट डाइजेस्टेड एंजाइम है जो एमल्सीफाइड फैट्स को सीधा फैटी एसिड और ग्लिसराल में तोड़ देता है। तो अब यहाँ तक जितना भी फैट्स होती है वो सब का सब यहाँ डाइजेस्ट हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि फैट्स का इन प्रोडक्ट क्या होता है तब आप फैटी एसिड और ग्लिसराल ही बताओगे। तो यहाँ तक तो डाइजेशन हो गया, यानी ड्यूडिनम वाले पार्ट्स में जब फूड का डाइजेशन हो जाता है तब फूड और लिक्विड स्टेज में आ जाता है, तब फूड को यहाँ पर फूड को कहते हैं काइन था यहाँ काइल कहते हैं, एकदम और लिक्विड स्टेज में आ जाता है। उसके बाद फूड की शक्ल के कहा जाता है ड्यूडिनम से स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग ये भी है ड्यूडिनम और यहाँ ड्यूजिनम में आता है। जब फूड यहाँ पर आता है तब यहाँ पर भी फूड का डाइजेशन होता है। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूजिनम में फूड का कैसे डाइजेशन होता है इसको आप नेक्स्ट पार्ट में अब आपको बताएंगे। तो ये रहा डाइजेशन स्टमक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बक्कल कैविटी से लेकर के कहाँ तक का डाइजेशन बताया था, बक्कल कैविटी से लेकर के स्टमक तक में डाइजेशन बताया था। अब इस बार डाइजेशन हम केवल इंटेस्टाइन, यहाँ से इंटेस्टाइन और ड्यूडिनम के बीच में डाइजेशन हमने आपको बताया। तो ये रहा सब, इसको आप थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए और समझ लीजिए। अब जो है नेक्स्ट डे हम आपको यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे फूड डाइजेस्ट होता है और किस तरह से ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है, इसको बताएंगे। थैंक यू।